दोस्तों, आज मैं अच्छा से अच्छा किचन के डिजाइन्स लेकर आया हूँ। इसमें जो भी डिजाइन्स है वो लेटेस्ट डिजाइन्स के साथ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्राइस मेंशन किया हुआ है ये एस्टिमेट प्राइस है, और इसमें प्राइस आगे पीछे भी हो सकता है साइज़ और मटेरियल के हिसाब से। तो यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किचन बनाते हो तो हमें चार पांच पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, किचन घर के लिए और हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह होती है। तो जब भी आप किचन बनाते हो तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्पेस। तो फ्रेंड्स, जब भी सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके किचन में कितना जगह अवेलेबल है, उसी हिसाब से आप अपना प्लान करवाइए, क्योंकि उसके अंदर आपको कैबिनेट, काउंटर टॉप, सिंक, रेफ्रिजरेटर ये सब बिठाना होता है, और उसके ऊपर आपको इतना जगह मिल सके कि आप आराम से किचन में काम कर सके। तो ये पहला पॉइंट आपको देखना है। दूसरा आता है स्टोरेज स्पेस। मॉड्यूलर किचन बनवाते समय सबसे बड़ा कारण होता है उसका स्टोरेज स्पेस। ऐसे में किचन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्पेस के लिए कैबिनेट बनवा सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो कैबिनेट हमारे किचन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टोरेज करने के लिए जगह मिलती है, और कैबिनेट के वजह से हमारा किचन का इंटीरियर के डिज़ाइन में चार चांद लग जाते हैं। और जब भी आप कैबिनेट बना रहे हो तो उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। आजकल कैबिनेट के कई टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक्रिलिक, लैमिनेट, पीवीसी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैमिनेट कैबिनेट्स बनवाइए, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली भी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी आपके किचन के इंटीरियर में। और हमारा तीसरा पॉइंट है काउंटर टॉप, जो हमें ओटा बोलते हैं। तो कई बार मॉड्यूलर किचन बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं देती कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला काउंटर टॉप वो कौन से मटेरियल का है। किचन में लगा मार्बल भी कुछ समय बाद इस्तेमाल से पीला पड़ने लगता है, ऐसे में आप काउंटर टॉप जो है वो ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दाग लगने पर भी वो इतना पीला नहीं होगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, और ज़्यादातर किचन्स में ग्रेनाइट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारा चौथा पॉइंट है डिज़ाइन। मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करवाते समय आप इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको अपने किचन में काम करने के लिए आवश्यक स्पेस मिले। इसके लिए आप सिंक, फ्रिज और ओवन ट्रायंगल शेप में लगा सकते हैं। हमारा सबसे पांचवा पॉइंट है इम्पोर्टेंट सिंक। मॉड्यूलर किचन बनाते समय हमेशा सिंक का ध्यान रखा जाना चाहिए। अपने किचन की जरूरत के हिसाब से सिंक का आकार चुनना चाहिए। इसके अलावा सिंक का नल ऐसा चुने कि जो उससे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घूमने वाला हो, ताकि आपको बर्तन या सब्जियां धोने में परेशानी ना हो। और सिंक जब भी खरीदते हो तो अच्छा क्वालिटी का खरीदना, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपके किचन में लगा हुआ रहता है उसको, क्योंकि बार बार आप बदल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा छठा पॉइंट है लाइट्स। मॉड्यूलर किचन बनाते समय हम अक्सर किचन में इस्तेमाल होने वाले लाइट का ध्यान नहीं रखते। किचन में पर्याप्त रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप कोशिश करें कि आपके किचन में पर्याप्त लाइट लगी हुई हो, ताकि अगर जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, और सबसे मेन ओपिनियन ये है मेरा सजेशन, कि आप जब भी किचन बनाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला आप एक मैप बना के रखिए कि आपका किचन कैबिनेट्स कहाँ होगा, आपका सिंक कहाँ होगा, काउंटर टॉप कहाँ होगा, फ्रिज कहाँ आने वाला है। इससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपके किचन में क्या क्या बैठने वाला है, और आपको स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स कितना अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपकी किचन छोटी साइज है तो आप उसके प्रकार ही प्लान बनाइए। जैसे अगर समझो आपका छोटा किचन है तो आप ओपन किचन में भी जा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या आपका ओपन किचन में दीवारें नहीं रहेंगे तो उससे आपका स्पेस थोड़ा जगह मिलेगा आपको किचन के लिए। अगर आपका बड़ा किचन है तो आप दीवार लगा के आप
किचन बना सकते हैं, और उससे अपन को जगह जो कैबिनेट्स लगाने में और ज़्यादा स्पेस मिलेंगे। और जब भी आप किचन बनाते हो तो प्लान मैप के साथ, अगर अब बजट भी आप बना के चलिए, एक आप मन में एक बजट सोच के रखिए कि इतना मैं खर्चा करने वाला हूँ किचन में, क्योंकि बाद में ये ना हो कि अगर किचन बनाने चालू किए उसके बाद आपको पता चला कि आपका बजट उसमें बढ़ रहा है, तो उसमें कैसा है, फिर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बीच में। तो अगर वो बीच में अगर आप चेंजेस करने जाएंगे तो आपका जो पूरा मेहनत है जो वेस्ट हो जाएंगे, और पैसे भी उसमें आपको लगेगा कि वेस्ट हो गया, मेरा पूरा इंटीरियर खराब हो गया किचन का, क्योंकि हमारा किचन जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर के लिए। तो आप जब भी किचन बनाने का प्लान कर रहे हो तो मैप, सेकेंड बजट, तीसरा आप ये सोचिए कि कैबिनेट्स कौन से डिजाइन्स का आप बना रहे हो, कलर कौन सा कैबिनेट्स के लिए आप चूज कर रहे हो, कौन से मटेरियल्स का उसमें यूज होने वाला है। जैसे कि उसमें अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको एक एक्रिलिक, लैमिनेट, पीवीसी, इस तरह के कई डिजाइन्स अवेलेबल है कोटिंग वाले। तो जब भी आप करवाते हो तो आप पहले ये सब चीज का ध्यान रखना, और मैं पर्सनली बोलता हूँ आप मार्केट में जाके दो तीन जो ठेकेदार होते हैं उनसे आप कोटेशन पूछिए कि कितना होगा, ये मेरा जगह है, आप उनको लाके एक बार बताइए, मुझे भी आके चेक करेंगे आपके किचन में कितना क्या है, स्पेस क्या है, कितना किधर कैबिनेट्स होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको हम कोटेशन लिख के देंगे। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कोटेशन से कि ये कितना खर्चा होने वाला है आपका। और आप जब भी दो तीन जन से कोटेशन मंगाएंगे तो उसमें प्राइस में कैसा है, कोई भी सेम तो प्राइस लिख के नहीं देता, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो उसमें आपको उसमें जो आपको आपके बजट में बैठ रहा है, प्लस आप मटेरियल्स कौन सा अच्छा यूज़ हो रहा है, तो आप उनके साथ बाद में बैठ के नेगोशिएशन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें वो सामने वाला भी फिर सोच